यूपी के महाराजगंज जिले में रविवार को जिला अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई। कोठीवार थाना क्षेत्र के चरकैरोट सबैया गांव की रहने वाली वर्फा देवी उम्र 65 वर्ष को पेट दर्द होने का शनिवार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज चल रहा था। रविवार को तबीयत अचानक ज़्यादा ख़राब हो गई, जिससे सुबह करीब 9 बजे वर्फा देवी की जान चली गई। इसके बाद तो अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। मृतका के नाती विवेक, अंकित और बहू समेत अन्य लोग अस्पताल में रहे। यहाँ सभी रो रो कर अस्पताल के डायरेक्टरों पर लापरवाही का आरोप मढ़ते रहे। इन्हें इस बात का मामला रहा कि अगर डॉक्टरों ने समुचित और बेहतरीन ढंग से इलाज किया तो वो शायद जान न जाती। महिला की मौत होने के बाद गुस्साए परिजनों ने मेडिकल वार्ड के गेट को तोड़ दिया। यही नहीं, डॉक्टर और अस्पताल कर्मी से हाथापाई करने लगे। डॉक्टर विशाल चौधरी इमरजेंसी में थे, कल गंभीर हालत में एक मरीज भर्ती हुआ और वो ऊपर कुछ ठीक जब हुआ तो ऊपर उसको कल शिफ्ट कर दिया गया था। अचानक उसकी तबीयत फिर खराब हुई और उसके परिजन इमरजेंसी में गए। डॉक्टर उस समय कन्वर्जन का केस था, देख रहे थे और उसको देख के जैसे ही ऊपर पहुंच रहे हैं, संभवतः पेशेंट एक्सपायर कर गई थी और जैसे वो अभी मरीज को देखे भी नहीं थे कि परिजन में दो लड़के या तीन लड़के जैसा है। मृतक की उम्र क्या थी सर? मृतक की उम्र 65-70 के आसपास होगी, महिला की बुढ़िया। क्या हुआ था सर उसको? पेट में दर्द करके आए थे, संभवतः जो है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए महाराजगंज से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।